नमस्ते जम्मू के लोगों, की हाल चाल तुंदे? तो राया एरिया में है ये प्लॉट, सांबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यो सुन प्रमोस भाई, इस बंदे ने हम पे इल्जाम लगाया कि भाई वीडियो बनाई लेकिन डाली नहीं। ये देखो जीता जागता सबूत, फ्रंट आप देखो कितना ज्यादा है। जहां पर मैं जा रहा हूँ वहां वहां से इसका फ्रंट स्टार्ट होता है। ये देखो वरदाना मैम, इसको नंबर नहीं पता है, ये कैसे प्रमोशन करेगा सलों की। देखो ये बहुत रिफाइंड आर्टिकल है, इट लुक्स क्वाइट गुड। नमस्कार, मैं भी ब्लॉग इंडिया, वेलकम बैक टू आज राहुल व्लॉग्स। एंड मुझे मेरे भाई बंधु ने सजेस्ट किया था कि भैया आपकी वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा ब्लरी आ रही हैं, आपने आईफोन 15 प्रो मैक्स रखा हुआ है फिर भी आपकी वीडियोज़ ने क्लियर नहीं आ रही। सो रीज़न ये कि मैं ना फ्रंट कैमरा से शूट करता हूँ और फिर आफ्टर एडिटिंग, मतलब मोस्टली मैं एडिटिंग जो है वो ऑन द गो करता हूँ मोबाइल पे VN पे, और जब वो फिल्टर यूज़ करता हूँ तो वो बिल्कुल ना ब्लरी हो जाता है, येलो के बाद ऑरेंज शो करता है। सो देन आई डिसाइडेड कि भाई इसके बैक कैमरा से हम शूट करेंगे। अब आपको वीडियो क्वालिटी कैसी लग रही है वो मुझे ज़रूर बताना, आई एम श्योर कि शायद अच्छी आएगी। भाई अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास में कोई प्लॉट पे देखना चाहते हैं तो फिर आज की वीडियो पूरी एंड तक देखना, और बहुत सस्ते में आपको प्लॉट मिलने वाला है नियर सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आओ जी आगे ट्रेन, और इस ट्रेन वाले फाटक से थोड़ा आगे जाके ही जाता है प्लॉट। और इस एरिया का नाम है राया। अभी मेन रोड से अराउंड हम सिर्फ 1.5 किलोमीटर जो है वही अंदर आए हैं, और यहाँ से कितना थोड़ा और आगे आपको वहाँ जाके बताते हैं। एंड प्लॉट की क्या डायमेंशन है, रोड के कितना दूर है, पास है, वो भी वहाँ जाके आपको बताते हैं। तो राया एरिया में है ये प्लॉट, सांबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और विजयपुर तहसील है। विजयपुर तहसील में ऑलमोस्ट 18 मरले का प्लॉट है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। मेन रोड है और रोड कितनी ज़्यादा वाइड है वो आप देख रहे हैं यहाँ पर। एंड आपको बताऊँ कि रेजिडेंशियल के हिसाब से परफेक्ट है, लेकिन अगर आप बिजनेस पर्पस, बैंकिंग पर्पस से देखते हैं या फिर आप सोचते हैं कि कम्युनिटी हॉल या बैंकेट हॉल छोटा सा, वो यहाँ पर बना सकते हैं, पार्टी हॉल रेस्टोरेंट जो है वो बना सकते हैं, उस हिसाब से दिस इज़ द बेस्ट, बिकॉज आपको बिल्कुल रोड के साइड पे मिलता है, पार्किंग स्पेस बहुत ज़्यादा है। एंड ऑन रिकॉर्ड्स अगर बात की जाए, ऑन ग्राउंड बात की जाए, तो ये 18 मरले से भी ज़्यादा का प्लॉट है। फ्रंट आप देख लो कितना ज़्यादा है, जहाँ पर मैं जा रहा हूँ वहाँ वहाँ से इसका फ्रंट स्टार्ट होता है। अब देख लीजिए इसका फ्रंट कितना ज़्यादा है, तो ऑलमोस्ट यहाँ से इसका फ्रंट स्टार्ट होता है टुवर्ड्स दिस एरिया जहाँ पर गाड़ी लगी है, और गाड़ी के भी आगे तक आपको दिखाता हूँ कहाँ तक इसका फ्रंट है। यहाँ तक इसका ऑलमोस्ट फ्रंट जाता है, एंड बेस्ट पार्ट इज कि ये आपको रोड पे ही मिलता है। इसका प्राइस जो है बहुत ज़्यादा कम है, आप DM करके इसके प्राइस जो है वो पूछ सकते हैं। रहने के लिए लोकेलिटी बिल्कुल शांत है, एंड यहाँ से अप्रॉक्स 1.25 किलोमीटर आपको मिलती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और पीछे ही 200 मीटर आपको मिलता है KV स्कूल एंड हायर सेकेंडरी स्कूल भी। बिज़नेस पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आप रहने के हिसाब से सोच रहे हैं तो ये और ज़्यादा अच्छा है। तो ये है प्लॉट, और यहाँ से जो जा रहा है सर्कल में पीछे तक है, एंड आगे इसका फ्रंट जो है वो है वहाँ तक। फ्रंट बहुत ज़्यादा है, और बैक देखो, बैक भी बहुत ज़्यादा पीछे, अगर आप देख पा रहे होंगे तो वहाँ तक है इसकी बैक। यहाँ पे इसका फ्रंट, और ये जा रही है रोड। ये कितने फुट रोड है, ज़्यादा लग रही है यार, ये तो 20 फुट रोड है, काफ़ी वाइड है यार, रोड तो काफ़ी वाइड है। बिल्कुल रोड पे प्लॉट है, अगर आप चाहे तो यहाँ पर अपनी शॉप्स जो हैं वो भी ओपन कर सकते हैं। और ये आ जाती है आपकी रोड, काफ़ी ज़्यादा खुली रोड है, ये एरिया का नाम है राया। अभी के लिए कुछ पिक्चर्स जो हैं इस प्लॉट की वो मैं आपको दिखाया था, बिकॉज अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारा प्लांटेशन यहाँ पर हुई है, आपके पीछे जो है बहुत से प्लांट्स उग चुके हैं जिसके सबको क्लियर व्यू नहीं दिख रहा होगा, तो कुछ पिक्चर्स में प्लॉट के लगाया था तो आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि प्लॉट है कैसा। इट्स अ गुड प्रॉपर्टी, एंड इन्वेस्टमेंट के लिए तो ये बेस्ट है। एंड इसका रेट क्या है वो आप मुझे DM कर सकते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा कि क्या प्राइस आपको पड़ने वाला है। बहुत ज़्यादा कम रेट है, इतना ज़्यादा रेट नहीं होने वाला है इसका, लेकिन बिजनेस पर्पज़ के लिए इट इज़ दी बेस्ट। ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का गेट, और सामने देखो कंस्ट्रक्शन हो रही है, बहुत वाइड एरिया है इसका, और यहाँ से बस ऐसे कहाँ था प्लॉट से अराउंड बस 1.25 किलोमीटर की दूरी पे है ये एरिया। आज मौसम ना प्रॉपर वाला ठंडा है भाई, और मैं घर से ज़्यादा वार्म क्लोथ्स पहन के नहीं आया, गाड़ी में जाना है, पर बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है। इस वक्त मैं हूँ सेलो में फैशन हब बाय फजाना एट चन्नी हिम्मत, सो आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए बिकॉज इनके रेट्स बहुत ज़्यादा कम है एंड प्लेस इज टू गुड। ये देखो भाई कितना ब्यूटीफुली बनाया गया है, वैसे ये वेमेन सेक्शन है, वो वहाँ पर मेन सेक्शन है, दिस इज़ नाइस। आपकी मैडम मेरी गॉगल क्यों दे रही थी,
तुम्हारी मैडम? हाँ कह रहे कि अच्छी थी, कुछ छुपा के रखी थी उन्होंने। बड़ी लड़कों वाली है ना यार, लड़कों वाली है। हाँ उनको अच्छी लगी तभी। अच्छा क्या ऑफर चल रही है अभी यहाँ पे? ऑफर हाँ हमारे ऑफर सर अभी हेयर कट कितना परसेंट ऑफ चल रहा है अभी सर्विसेज पे? 40% चल रहा है अभी हमारा ऑफर। 40% चल रहा है जी। ओके और हेयर कट और क्या क्या होता है यहाँ पर? हमारे यहाँ पे हेयर कट, बोटॉक्स, सिस्टीन, कैटिंग, रिबॉन्डिंग, कलरिंग। मतलब अगर किसी ने ब्राइडल मेकअप करवाना बुक तो पहले कराना पड़ता है बुकिंग? कितने देर पहले आपको? जैसे कि आपने मान लो कि हफ्ते या 10 दिन पहले करवाना आपने, ठीक है ब्राइडल, आप 2-3 दिन पहले कॉल करके बुकिंग अपनी करवा सकते हो। नंबर क्या आपके? ये देखो वरदाना मैम, इसको नंबर नहीं पता है, ये कैसे प्रमोशन करेगा सलों की? क्या नंबर है बताओ? नंबर बता दो। 990-63-44-30-302-302 चलो ठीक है सचिन भाई, थैंक यू। पर रेट क्योंकि बहुत ज़्यादा कम है, और अगर आप इसी लोकेलिटी में रहते हैं वरमानी के आसपास, तो फिर आपको यहाँ पर एक विजिट ज़रूर देनी चाहिए। और अभी भाई साहब आलम ये है कि हम जा रहे हैं मॉब, एंड मैं जा रहा हूँ मिस्टर भानु को पिक करने अम्फला से। मैं निकल गया हूँ घर से, ससुराल से, तो चलते हैं। एंड टाइम टू रीच इज 8:15। अच्छा अब मेरे साथ हो, और मैं तुम्हारे साथ। पहले बंदा बदल गया, ये देखो भाई, इस बंदे ने हम पे इल्ज़ाम लगाया कि भाई वीडियो बनाई लेकिन डाली नहीं। ये देखो जीता जागता सबूत, ये पीछे भैया ने भी डाले था। आप बोल रहे थे इतनी जल्दी पॉलिटिशियन नहीं बदलते पार्टी। जितना ही बंदा पहले बंदा क्या बोलता था, खाऊंगा खिलाऊंगा। हाँ, चार बार आए हम यहाँ पर। अच्छा हाँ राजमा चोल। अच्छा कोई गल नहीं, नंदू की यखनी। अच्छा क्या सीन अंदर? अंदर हाउसफुल हो गया ऑलमोस्ट। टुडे वी प्रेफर ओनली कपल्स। आज कपल्स ही एंट्री है तो मॉब में भाई कपल एंट्री है। यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, यू डोंट अंडरस्टैंड डोगरी। Let me tell you, Dogri is our mother language here in Jammu. So people prefer to speak in their mother language, which is Dogri. Speak something in Russian, like say ke I look very handsome. So how do we pronounce in this way? Russian tarif nahi karti kabhi. What? Ya oshi krasivoy. Hi. Dekho bhai Russian madam ne. And how do we pronounce in Romanian? Romanian. Yeah. Eu sunt frumos. What? Eu sunt frumos. Hi, you sunt frumos. And what's your name? Catherine. Yes. Naan kahi suna tha, kahan suna hai? Acha bahar hi to suna tha jab promote kare. First time here in India? No. We have been multiple times, right? So first time here in Jammu? Yes. How is the vibe of this particular place, mob? Is it good? I like it, yeah. You like it? Yeah, it's amazing. It's amazing. Yeah. What do you guys want to say about belly dance as a dance form, as an art form? Oh. You learned it from somewhere or from YouTube only? I'm a teacher. Huh? I'm a teacher. You are a teacher? Yes. Yeah. Oh, okay, you are a student. I'm a student. She's my student. You are from Romania, she's from Russia. How come you both are related? Yeah. Yeah. Okay. You are vegetarian, non-vegetarian? Non-vegetarian. Non-vegetarian. Okay. And you? Non-veg. Non-vegetarian. Yeah. So you had food when you arrived here at MOB? You had something? Yes, of course. Yeah. And what did you like? You had non-veg? In non-veg class? Yeah. Yeah. And how was the taste? It was good? It was the sandwiches, yes. Like it was the club. Okay. Chicken club sandwich or something like this. Achha. It was really amazing because it was not spicy. First of all. You have to say a few words, right? You have to speak namaste like this one, right? Okay. Namaste Jammu ke logo. Ke logo, right? Namaste. Okay. Namaste Jammu ke logo. Speak. नमस्ते जम्मू के लोगों। क्या बात है भाई साहब, देखो मैडम आप बोलिए नमस्ते जम्मू के लोगों। नमस्ते जम्मू के लोगों। के हाल चाल तुंदे? करवाने के लिए, टू लेट द पीपल ऑफ जम्मू नो के जम्मू जो है वो भी आगे बढ़ रहा है, एंड आज सिजलिंग वाइब होने वाली है हेयर एंड मॉब। और मैम जो भी जैसे आपको दिख रहे हैं थोड़ी देर के बाद, माहौल जो है वो यहाँ पर बदलने वाला है।
देखिए भाई, जम्मू स्मार्ट सिटी का आपको बेहतरीन नमूना मैं इसको दिखाता हूँ। नमूना जो है ना वो ठीक मेरे सिर के ऊपर है, अप्सरा रोड, जहाँ पर बड़बड़ा लिखा है, और वहाँ पर एक बड़ी सी घड़ी इंस्टॉल की गई है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। एंड घड़ी पे टाइम है 12:05, और एक्चुअल में जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 1:03। ये एग्जाम्पल है स्मार्ट सिटी का, ठीक है। इतनी बड़ी घड़ी लगाई है, इंसान का टाइम बदलते ना वक्त नहीं लगता, उन्होंने पहले टाइम जो है ना वो बदलती है, अगर आगे होते हैं फिर भी मानता, मतलब एक घंटा ये लोग पीछे जा रहे हैं। और ऐसे बनेगी जम्मू स्मार्ट सिटी, ऑल द डेवलपमेंट हो रही है, उस चीज़ की प्रेज़ होनी चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो सकती है? इतने लोग हर दिन यहाँ से आते हैं, वीडियोस बनाते हैं, अपना टाइम चेक करते हैं, और यहाँ पर एक घंटा घड़ी पीछे चल रही है। तो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इसका टाइम बदलिए, और अगर आपके पास बदलने का टाइम नहीं है तो फिर गांधीनगर में पास में ही महावीर वॉच कंपनी है, वहाँ पर जाइए, वहाँ से घड़ी इंस्टॉल यहाँ पर करवाइए, बिकॉज महावीर वॉच कंपनी का जो टाइम है ना वो बिल्कुल सही चलता है और आपका टाइम भी सही चलने वाला है। तो अभी पहुंच गया हूं महारानी स्टूडियो गांधीनगर, और यहां पर आपको मैं दिखाने वाला हूं विंटर कलेक्शन जो इनके पास नई नई आई हुई है, और ये है मेरे ख्याल से विंटर कलेक्शन ऑफ सूट्स, स्टिच्ड हैं या नॉन स्टिच्ड? कौन से? ये फुल स्टिच्ड हैं। ये आपकी एक सेक्शन आ गई और दूसरी सेक्शन आपकी दो वहां पे, और कॉट सेट वगैरह। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन की। निकालो भैया क्या सूट है, ये वेलवेट में है? ओके, और इसका डिजाइनर स्टोर कुर्ते है ना, गला बहुत अच्छा है, पाकिस्तानी स्टाइल। ये देखो भाई दुपट्टा कितना अच्छा है, आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज होगी इस चीज़ की, बट इट लुक्स परफेक्टली फाइन, और हैवी भी है प्रॉपर। ये टू पीस आ जाएगा प्रॉपर, इसका जो स्टफ है बहुत ज़्यादा सूदिंग सा स्टफ है इसका। ये डिज़ाइन है, एक थ्री पीस आएगा पूरा सेट। ये पार्टी वेयर में आते हैं क्या भैया? पार्टी वेयर। अच्छा, तो अगर आपको ज़्यादा कलेक्शन देखनी है विंटर सूट्स की, तो एक ही लोकेशन है जो है महारानी स्टूडियो गांधीनगर, ये इसका स्टॉल है पूरा सेट। ये सारी कलेक्शन जो आपको यहाँ पर दिखती है कुछ ही हम इसमें दिखा पाएंगे, ज़्यादा एक्सप्लोर करना है तो आपको पहुँचना पड़ेगा महारानी स्टूडियो अपोजिट साई बाबा मंदिर। ओके, और इसका क्या दुपट्टा शुपट्टा क्या होता है? टू पीसेस का बॉटम। इनके दुपट्टे होते हैं स्टॉल होते हैं? स्टॉल। अच्छा, कहाँ पे इसका, इसका स्टॉल कहाँ पे? इसके हाथ नहीं है स्टॉल। अच्छा, सबका स्टॉल है, इसके हाथ जैसे स्टॉल है। ओके, अभी मुझे बताओ ये आपने दिखा तो दिए, अब इन सबकी प्राइस रेंज क्या आती है, किस रेंज में आते हैं? ज़्यादा महंगे आते हैं 8-10-12 हज़ार की रेंज में? हाँ, कोई 3-4 की रेंज में आते हैं। अच्छा, 3-4 हज़ार की रेंज में आते हैं, और इनमें डिस्काउंट भी होगा, बाकी थोड़ा बहुत आप ही हो जाएगा। ओके, तो अप टू आपको 20% डिस्काउंट मिलता है हेयर एट महारानी स्टूडियो। तो ये थी एक कलेक्शन, बाकी वाली कहाँ पे? कॉर्ड सेट वगैरह बहुत अच्छे हैं। कॉर्ड सेट, ये भी उसी स्टफ में ना? कॉर्ड सेट ये क्यों होते हैं? बिकॉज ये थोड़ा सा शॉर्ट होता है, इसलिए कॉर्ड सेट होते हैं। ये आया कंट्रास्ट बॉटम साथ में। ये कंट्रास्ट बॉटम, ओके। ये क्या कर रहा है? ए लाइन में ये कॉर्ड सेट है, ये फ्रंट बैक भी अच्छी है इसकी, और ये बॉटम। ये लड़के भी पहन सकते हैं कॉर्ड सेट? हाँ, लड़के पहन सकते हैं? नहीं नहीं, लेडीज ओनली, ओनली लेडीज। मतलब क्या बोलते हो, लड़के पहन सकते हैं कॉर्ड सेट? ऐसे सवाल कैसे करते हो? जॉर्डी तो पहन लेता है। नहीं बताऊंगा, बट इसकी प्राइस ही बहुत ज्यादा कम है, लेकिन आप देखो ये बहुत रिफाइंड आर्टिकल है, नॉलेज के हिसाब से बहुत अच्छा है। ये चीज है, ये भी चीज भैया चलेगी आपको, मैं खुद दिखाता हूँ यार, भैया कहेंगे और ज्यादा सूट लेने ये। अरे भाई ये क्या है, दिस इज गुड, इसको कोई ना कोई सूट तो कहते होंगे, बट क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, बट प्रॉपर पार्टी वेयर है भाई ये। इसको वन पीस बोलते हैं, वन पीस। अच्छा, वन पीस कहते हैं इसको। ओके, और भाई आपको मैं बता दूं इसका रेट, मतलब MRP इसकी ना 3500, उस पर आपको डिस्काउंट भी हो जाता है, एंड दिस इज सो गुड यार। ये भैया बेल्ट है इसके साथ? हाँ, ये बेल्ट है, ये ऐसे ये दिखाया ना आपको। हाँ, इसका ये जूती आती है। ये भी नहीं, मुझे बताओ कि जो ये पूरा सेट के साथ है, जो जो उसकी प्राइस है वो सेट के साथ है? प्राइस भी बहुत जेन्युइन है, वो पूरा सेट आएगा ये इसके साथ। ये भी आपको इसके साथ ही मिलने वाले, अगर आप मार्केट में जाते हैं तो यही आपको शायद 600-700 की मिल जाती है, तो इंक्लूसिव है इस चीज़ के साथ में। अरे लड़कों वालों में इतनी चॉइस नहीं होती यार, लड़कियों के स्टॉक में कितनी चॉइस है यार, कितना कुछ है पहनने के लिए यार। एंड सबसे अच्छी चीज़ है ना, आपको वहाँ दिखने होगा, मैं बिकॉज बैक में ना प्राइसेस देख पा रहा हूँ, तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, और अप टू आपको 20% यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाता है। इसको कौन सा सूट बोलते हैं भैया यार? भैया इसको कौन सा सूट बोलते हैं? ड्रेस है भैया, वन पीस लुक। ओके, ये राइजिंग सन ब्रांड के हैं? जी। ओके, ये ज़्यादा महंगे होंगे यार? रेंज भी ठीक है, किस रेंज में आए थे अप्रॉक्सीमेट भी बताओ जरा। 17-1800 की रेंज। ओके, 17-1800 की रेंज में आते हैं, और इसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट मिल जाता है यार। ये वाला तो आई थिंक लड़के ले सकते होंगे यार,
ये वाला तो लड़के ले सकते हैं यार, इतना भी क्या ही हो गया यार, मतलब आजकल तो ट्रेंड में चल रहा है ना। दिस लुक्स क्वाइट गुड। तो बहुत ज़्यादा कलेक्शन, आपको जितनी ज़्यादा कलेक्शन दिखा पाएंगे ना उतनी दिखा पाएंगे, बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और अगर पूरी कलेक्शन दिखाने आऊँगा ना, सच में आप बता रहा हूँ, ये वीडियो 5 घंटे की होने वाली है। तो आपको क्या करना है, आपको पहुँचना महारानी स्टूडियो साईं बाबा मंदिर के अपोजिट। और भैया एक और कुछ दिखा रहे, दिखा दो भैया, दिखा दो भैया, मन करो सारा कुछ दिखा देता हूँ। ये देखो स्कर्ट आ जाएगी, हाँ साथ में टॉप आ जाएगा। अच्छा Okay. तो ये भी पार्टी वेयर है, ये थोड़ा सा फॉर्मल लुक आ जाएगा। उसके MRP आपको बताऊं ना, मतलब जब ये सेट निकालते हैं तब मुझे लगता है कि शायद 10-15 हज़ार की रेंज होगा, लेकिन रेंज बहुत ज्यादा कम है, ये कुछ 3,000 की रेंज में, 3,000 के आसपास आपको ये मिलते हैं। उसके ऊपर अभी आपको ऑफ मिल जाता है, इसके अलावा अनसी सूट भी है। ये सारे आपके विंटर कलेक्शन है, ये अनसी में आ गए, पार्टी लुक थोड़ा। अच्छा पाकिस्तानी गला आएगा साथ में, फ्रंट गला आएगा, ये इसकी स्टिचिंग करते हैं, बॉटम पे भी डिजाइन आ जाएगा, ये बॉटम। अच्छा ये दुपट्टा है, स्टोल भी अच्छा है। ये किस रेंज में है, क्या बताया आपने? ये कोई मतलब 45-46 की रेंज में। अच्छा 4-5 हज़ार की रेंज में है। और ये है अनस्टिच सूट, तो इसकी स्टिचिंग भी यहीं पर हो जाती है, स्टिच भी करवा देंगे, टेलर है हमारे पास। ओके, डिजाइनर टेलर है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये सूट आज परचेज किया, ठीक है, मतलब एक दो दिन में स्टिचिंग करके, तो एक दो दिन में स्टिचिंग करके मिल जाता है। तो आपको स्टिचिंग के लिए आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है, दे आर बेस्ट ऑफ द कारीगर्स हियर इन गांधीनगर महारानी स्टूडियो में, तो यहाँ पर आप इनकी स्टिचिंग भी करवा सकते हैं। इन शॉर्ट आई कैन से कि दिस इज वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल द लेडीज आउट देयर, तो एक बार यहाँ पर जरूर चेकआउट करिए, गांधीनगर अपोजिट साई बाबा मंदिर, और शोरूम का नाम है महारानी स्टूडियो, जो कि आप हमारी वीडियोज में अक्सर देखते ही रहते हैं। अभी हम पहुंचे हैं अर्पित इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप ही गांधीनगर, और बड़ा रश है अंदर, मिल जाएंगे। नहीं नहीं इस लड़की को उस गाने के डायरेक्टर का नहीं पता है, डायरेक्टर हमारे भानु साहब है। उस गाने में मेन लीड में कौन था? जानू, जानू था, ठीक है, वो नाम पता है। और फीमेल लीड कौन थी? नहीं पता होगा कुछ, फीमेल लीड कौन थी? नाम नहीं याद आ रहा। गाने का नाम क्या है? दुनाली। यार यार ये क्या हो गया, पहले तो उसको याद नहीं आ रहा था यार। कितने व्यूज हो गए उसके? कल तो मैंने देखा था 158 प्लस हो गए थे, अभी 3 लाख, हाँ इतने। अच्छा 3 लाख हो चुके हैं। ओके, शिवजोत बाजी आ रहे हैं 30 दिसंबर को एक्वाप्लेक्स क्राउन बाहू फोर्ट में। okay. तो आपने बताना है कि शिवजोत बाजी के कोई तीन गाने, कोई तीन गाने, हाँ। तो ये आपको पास जो है ना, ये पास है फुलकारी 2.0 के फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। एक तो ये ना सब फड़े जाएंगे गर्ड, और दूसरा और सब फड़े जाएंगे पहला गाना इनका शिवजोत पाजी का, उनको भी नहीं पता था कि उन्होंने गाना ये वाला बनाया हुआ है, लेकिन देखो तनवी की तरफ पता चल रहा है वो उनका गाना नहीं है सब फड़े जाएंगे, वो परमीश वर्मा का है। ओह सॉरी आई फॉरगॉट। शिवजोत पाजी का कोई गाना कभी सुना है? शिवजोत सुना है बट अभी कौन सा गाना था वो? शरारा, शरारा सॉन्ग, लैदा मैनू शरारा। और कोई दो और पता ही नहीं है। नहीं, अगर आपको शिवजोत बाजी के तीन गाने पता जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दो, आप में से किसी एक लकी विनर को ये मिलने वाली एंट्री टिकट्स फॉर द इवेंट फुलकारी 2.0।